गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्विगी राइड करने वाले हैं, तो हम पूरे दिन स्विगी राइड करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक दिन में स्विगी राइड करके कितने रुपए कमाए जा सकते हैं। अभी मैं सुबह सुबह चाय और ये बन खा ले रहा हूँ, उसके बाद अपना राइड स्टार्ट कर लेंगे। ये हमारा पहला ऑर्डर लग गया है भारतीय जलपान से, जाना है बेलतोला। आपको दिखाया था 45 रुपीज़ मिलने वाले इस पर। ट्रैफिक सिग्नल में रुके हैं हम लोग, अभी यहाँ से राइट जाना है फिर पहुँच जाएंगे। तो फर्स्ट फ्लोर में जाना है हमको, इसलिए हमने लिफ्ट यूज़ नहीं किया है। बहुत ज़्यादा घर है यहाँ पे, बहुत सारा फ्लैट है यहाँ पे। तो क्या अभी क्या करना है, कस्टमर को देने के बाद कर दे। यस, फोर्टी सेवन मिलेगा ना इसका। तो मेरे फ्रेंड का जो स्कूटी है वो इतना ज़्यादा हार्ड है, एक्सीलेटर मेरा पूरा हालत ख़राब हो जा रहा है, इसलिए अभी हम लोग स्कूटी चेंज करने वाले हैं। मेरे स्कूटी में करेंगे आज का पूरा दिन का राइड। फर्स्ट ऑर्डर करके आ गए हम लोग, 47 रुपीज़ मिला है। जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आ गए, किरण स्ट्रीट स्वीट्स में, क्रिश्चन बस्ती में। अभी नेक्स्ट ऑर्डर से मेरे स्कूटी में जाएंगे। मेरा हाथ देखिए कैसा हो गया, ये देखिए। हमारा सेकेंड ऑर्डर लग गया है, इसमें 33 रुपीज़ दिखाया था। छोले भटूरे और ढोकला मंगवाया है किसी ने JB से। ये सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोग आए हैं JB, छोले भटूरे का ऑर्डर है यहाँ पे। सेकेंड ऑर्डर के बीच में थर्ड ऑर्डर लग गया है ना, तो बीच बीच में ऐसे टी शर्ट के और बैग के साथ फ़ोटो भी डालना पड़ता है। यहाँ पे हमारा मल्टी ऑर्डर लग गया था, सेकेंड ऑर्डर 33 रुपीज़ का था, उसी के साथ 16 रुपीज़ का भी एक ऑर्डर लग गया था। दोनों ही ऑर्डर JB रेस्टोरेंट के थे और जो उनका डिलीवरी लोकेशन था वो भी आसपास ही था, तो इस तरह के ऑर्डर भी कभी कभी लग जाते हैं। और आप देख सकते होंगे सुबह सुबह इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आगे सिग्नल है। तो हम लोग ऑर्डर सेकेंड और थर्ड ऑर्डर कंप्लीट करके आ गए हैं। चौथा ऑर्डर भी सेम इसी जगह से मिला है, JB। ये अभी हम लोग जा रहे हैं काहिलीपाड़ा, इस तरफ भी काफ़ी ट्रैफिक लगता है, रास्ता छोटा है और रिक्शा वगैरह भी चलते हैं तो उनको ओवरटेक करने में टाइम लगता है। जैसे कि आप देख सकते होंगे दो रिक्शा दोनों आजू बाजू चल रहे हैं, जाने को रास्ता ही नहीं मिल रहा, पर किसी तरह साइड वाइड करके हम निकल जाते हैं। इसी तरह से गुवाहाटी में रहता है, कई रास्ते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, कई फ्लाईओवर भी हैं, बट कई कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर छोटे छोटे रास्ते होते हैं। और अभी स्कूल टाइम भी है तो आप देख सकते हो स्कूल का वैन भी आगे आगे चल रहा है, तो संभल के जाना पड़ता है। आगे वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि स्विगी जोमेटो करने वाले लोग कहाँ पे खाना खाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं। मैं देख के हैरानी होगी, ऐसा भी जगह है क्या। बहुत ही सस्ते पे हमने खाना खाया वहाँ पे, क्योंकि ये पूरे दिन का व्लॉग है, मैंने पूरे दिन शूट किया है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के ऑलमोस्ट 9:30 बजे तक, 12 घंटे, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो दो पार्ट में बनाना पड़ रहा है। तो ये वाला पार्ट आपका पहला रहने वाला है जो कि मैं दिखाने वाला हूँ खाने खाने तक, फिर उसके बाद खाने खाने के बाद से दूसरे दिन पार्ट टू में दिखाऊंगा। और ये हम लोग पहुंच गए डिलीवरी लोकेशन पे। वापस आ गए हम लोग चौथा ऑर्डर डिलीवर करके। चलिए
तो जो हमारा पांचवा ऑर्डर था वो था सिटी सेंटर मॉल के अंदर से। ये मॉल का वीडियो मैंने पहले आप लोगों को दिखाया है, गुवाहाटी का सबसे बड़ा मॉल। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बहुत मेहनत का काम है, कमर दर्द हो गया मेरा। पाँच नंबर ऑर्डर डिलीवर करते ही छः नंबर वाला लग चुका है। अभी हमको पल्टन बाज़ार जाना है। अभी हम लोग कौन से रास्ते पे है? ये जू रोड पे है। जू रोड से अभी हम लोग पल्टन बाज़ार जाएंगे। तो अशोक स्वीट्स एंड नमकीन वाले में ऑर्डर लगा है, ये ले लेते हैं। पल्टन बाज़ार में आने के बाद मैंने अपने स्कूटी में तेल भर लिया है। वैसे तो तेल जितना चाहिए था उससे ज़्यादा भर दिया है, मैंने फुल टैंक ही कर दिया है, रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं। कितना नंबर ऑर्डर है? सात नंबर ऑर्डर लग गया है। बैक टू बैक ऑर्डर लग रहा है। अभी सुबह नहीं लग रहा था बट अभी लग रहा है। अभी नेक्स्ट होटल है हमारा नागा होटल फूडिंग, अप्सरा सिनेमा हॉल के सामने है। हमारा जो नागा होटल का ऑर्डर था इस अपार्टमेंट के अंदर था, जो कि थर्ड फ्लोर में था, और उन्होंने पहले से ही 20 रुपए का टिप दे दिए थे। ये मल्टी ऑर्डर लगा है, दो दो ऑर्डर एक्स्ट्रा। हमारा आज दिन का ये सेकंड मल्टी ऑर्डर था, जो कि इस रेस्टोरेंट से था जिसका नाम था मस्त बिरयानी। मुझे यहाँ डाइनिंग का ऑप्शन तो दिखा नहीं, तो शायद ये क्लाउड किचन हो सकता है। और यहाँ पे हमें एक भाई मिले जो कि सिलचर से ही थे। ये है सेकंड ऑर्डर और मल्टी ऑर्डर का पहला ऑर्डर यहाँ पे बना है। वहाँ पहाड़ भी है, एक ऑर्डर तो बोल रहा था पहाड़ के ऊपर है। देखते हैं जाते समय क्या होता है, कहाँ पे है। वाटी में इस तरह के आप लोगों को काफ़ी सारे रेलवे क्रॉसिंग देखने को मिले, क्योंकि ज़्यादातर एरिया पल्टन बाज़ार के आसपास है और रेलवे स्टेशन भी पल्टन बाज़ार में है, तो बहुत सारे रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करने पड़ते हैं। जब भी आपको रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करना हो तो थोड़ा टाइम तो जाता है वहाँ। ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कौन सा ट्रेन है ये? मरियानी डिब्रूगढ़। अब हम मल्टी ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर। पहाड़ों से मेरा कुछ अलग ही लगाव है। जैसे ही आप पहाड़ में चढ़ते हैं हवाएं चेंज हो जाती है, थोड़ा ठंडक आ जाता है हवा में। आप लोगों ने भी फील किया होगा ये चीज़। आप देख सकते होंगे कितना ज़्यादा चढ़ाई है। मेरा स्कूटी का 10 साल हो चुका है, किसी तरह चढ़ तो गया है वो। चलिए थोड़ा पहाड़ चढ़ने के बाद फाइनली थोड़ा डाउन भी मिल गया। चांदमारी के पहाड़ से हम लोग को एक और पहाड़ दिखा है, और उसमें देखिए टावर भी है, एक मंदिर भी दिख रहा है। पता नहीं कौन सा जगह है, आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। खाने के लिए जाने वाले थे बट ऑर्डर लग गया है आरजे बिस्ट्रो से, और ये जाएगा काहिली पारा।
ये वाला टावर दूर से कहीं दिखता था ना, ये वाला टावर कहीं से दिखता था। इस ऑर्डर में भी हमको जाना पड़ा पहाड़ के ऊपर। पहले हम गए थे चांदमारी के पहाड़ के ऊपर और इस वाले पे जा रहे हैं हम काहिलीपारा के पहाड़ के ऊपर। यहाँ पे आखिरी में जाके हमें एक मृत्युंजय मंदिर भी मिला, उसका भी मैंने शॉट लिया है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज स्विगी डिलीवरी करते करते मेरा थोड़ा गुवाहाटी का साइट सीइंग भी हो जा रहा है। पहले मैं ये टावर को देखता था और सोचता था कभी जाना है उस पहाड़ के ऊपर, बट इस तरह से जाऊंगा कभी सोचा नहीं था। इस ऑर्डर का डिलीवरी इस मंदिर के सामने ही था, यही है मृत्युंजय मंदिर, जिसका एक शॉट लिया है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये है मृत्युंजय मंदिर। हनुमान जी, गणेश जी, ये है हमारा लंच वेज थाली, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये का। हमने 10 रुपये का एक पानी का बोतल लिया और हमारा बिल हुआ था 90 रुपीज़। यहाँ पे चिकन, पॉक, मछली ये सारे चीज़ मिलते हैं, 10-10 रुपये या 20 रुपये एक एक पीस का रहता है उनका। स्विगी राइडिंग के पार्ट 1 वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि पूरे एक दिन में हमने कितने रुपए कमाए। आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी कर दीजिए। थैंक यू।